अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद एनिमल्स में। दोस्तों आज हम आए हैं मोनू भाई के वहाँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको दो हंसा देखने मिलेंगे जो माशाल्लाह उन्होंने खुद तैयार किए। तो वीडियो एंड तक देखें और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। और जिस किसी भाई को वीडियो शूट करवाना हो मेरे चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी जीमेल आईडी दोनों ही मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो ये चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्राइस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मोनू भाई। वालेकुम सलाम भाई, और सब खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मोनू भाई नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो एक बार वापस से एड्रेस बता दीजिए आप। ये भादोड़ गांव। हाँ, और ये भिवंडी कल्याण बाईक पास से अपन अगर लेफ्ट मारेंगे ना ब्रिज के नीचे से तो वहाँ से भादोड़ गांव का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, तो राइट मार के वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर है बगीचा गोल्ड फार्म। हाँ, बगीचा गोल्ड फार्म। और गूगल मैप में भी? गूगल मैप पे भी है। ठीक, ओके। और ये वीडियो में क्या देखने मिलेगा लोगों को? ये वीडियो में अपने पले हुए बकरे जो पिछले टाइम थे लेकिन दांत के नहीं, दो दांत के थे, उतना ज़्यादा तैयार नहीं थे। अभी अपन भी सेल्फ फिटिंग पे अच्छा तैयार किए इंशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, देख के लोगों को भी स्लो मोशन वगैरह देख के समझ में आया होगा माशाल्लाह ये क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले बकरे से। क्या डिटेल पे है भाई ये बकरा? ये बकरा अपन ने वजन किए थे लगभग 15 दिन पहले 80 किलो पे। 80 किलो पे था। अब प्योर पिंक का कहीं स्पॉट नहीं है, पूरा पिंक कान वगैरह हर चीज़ माशाल्लाह। पूरा गुलाबी बच्चा, पूरा गुलाबी बच्चा है हंसा में, सिंग तक वाइट है, सिंग तक वाइट है, प्योर मार्बल में है माशाल्लाह। तो चीज़ देख सकते हैं आप। और ऐसे प्योर हंसा आज की तारीख में अगर जंगल में लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा ना। अपने वहाँ तो नहीं है ना? नहीं, फिर भी ठीक है ना? ठीक है, रेट यानी जो चीज़ है मेहनत है। अभी देखो ये जो चीज़ है ये अपन फार्म पे रखे पालने के लिए, इनका जो अपन खिलाई पिलाई वो भी अपने को बराबर से नहीं मिलेगी अगर अपन ये जो कीमत से बेचने जाएंगे तो बकरे की जो कीमत है बस वही मिल जाए, बहुत बड़ी बात। नहीं सही है, ये तो शौक है अपना। बराबर, एक आधी दो बकरे खाली खिला पिला के तैयार करने एक शौक हर किसी को एक शौक रहता है, एक दो बकरे का माशाल्लाह तैयार कर लो बस। दांत क्या होगा इसका? दांत ये 6 है बताइए। आठवा कर दिया। हाँ, अभी फ्रेश आठवा किया देखो। हाँ अभी कर, आठवा करा भी नहीं है अभी, करा भी नहीं है भाई। 6 दांत है ये माशाल्लाह बारीक दांत है। हाँ एकदम न्यू है अभी, 6 दांत फ्रेश है, पल्टी के लायक का बकरा है। हाँ कोई भी चाहे तो पाल सकते हैं। ये जो पेटी साइज है ना बहुत चौड़ी है माशाल्लाह, अच्छा बच्चा है। और प्राइस का कैसा क्या रहेगा? इसका प्राइस मैं बता दूंगा और उसका फ़ोन पे बताऊंगा। फ़ोन पे बताओगे? इसका प्राइस अपन 65 मांग रहे हैं। 65 मांग रहे हैं। और इसका क्यों फ़ोन पे बताएंगे? बस थोड़ा पर्सनल इशू है। पर्सनल इशू है। इसका कैसा है ना, अभी लगभग डन पे हो। हाँ हाँ, इसकी वजह से चलेगा। तो 65 इसका मांग रहे हैं आप, जिस किसी को पसंद आए ले सकता है। अच्छी चीज़ है, मेहनत माशाल्लाह अच्छी है, झालर पट्टी वगैरह देखिए बकरे की हर चीज़, और अच्छी क्वालिटी में हंसा जो बोलेंगे वो चीज़ है माशाल्लाह। छोड़ दो भाई। और बहुत मोहब्बत है पाले, बहुत छोटे से भाई। ये तुम्हारे पास आया कितना बड़ा था? ये बहुत छोटा मैं देखा था इसको, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। ये तू देखे नहीं थे, तुम्हारे पास से आया था। हाँ मेरे पास से आया था माशाल्लाह, मैंने इसको लाया था भाई। मैं बहुत समझता हूँ, 2-3 महीने का रहा हुआ जब मैं लिया था इसको। 10 किलो का बच्चा था ये वजन। हाँ जब मैं लिया था 10 किलो के करीब, 10 किलो भी नहीं भाई, जब मैं लिया था जब 10 किलो भी नहीं था, 10 किलो के आसपास, मतलब छोटा बच्चा था। हाँ, पीता बच्चा था। और माशाल्लाह इतना समझ है कि क्या लेना चाहिए आज माशाल्लाह, और आपकी मेहनत है भाई ये। ये तो मैंने लिया था, वो तो फर्क भी तो रहती है ना, तुम क्या छोटे मोटे आदमी के? नहीं भाई बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये चीज़ माशाल्लाह आपने तैयार बहुत अच्छी करी है। नहीं वो तो देखो कैसा है, बकरों को चाहिए दाना और वो खिलाई पिलाई, ये खुद ब खुद अपने आप तैयार होते हैं, और तंदुरुस्ती देने वाली जात तो अलग है। हाँ ये तो बेशक, कोशिश करते हैं अपन बनाने की। और अच्छी चीज जब बनती है ना भाई और अच्छा लगता है। नसल नसल ही होती है ना, नसल होती है, वो बनती ही है। हाँ आप थोड़ा सा मेहनत करो, टाइम दो, वक्त दो उनको, वो खुद ब खुद बनेगी आपके माशाल्लाह। और मोहब्बत ही है माशाल्लाह ना, एकदम बहुत बहुत प्यार है। अभी अंडूल है, अभी कोई बताएगा एकदम नॉर्मल। हाँ एकदम नॉर्मल, खाली बकरे वकरे देखेगा तो गर्म हो जाएगा एकदम नॉर्मल है, चलेगा माशाल्लाह। क्या बात है, लाजवाब। ओहो अभी दौड़ा दिया अपुन ज्यादा इसको। हाँ स्लो मोशन की चक्कर। नहीं नहीं माशाल्लाह प्यारी चीज़ है, और बहुत चहिता मेरा बकरा था ये। चलो कोई मसला नहीं। ओहो क्या बात है माशाल्लाह, ठीक है। एक ये बकरा कौन सी, ये भी हंसा में है? ये हंसा जैसी जेपी जमना पारी, जो हंसा बोलते हैं ये वो चीज़ है, और प्योर हंसा जो गुलाबी है ना, ये पूरा चेहरा पिंक है, चेहरा पिंक में है, ब्लैक स्पॉट आ गया है। हाँ ब्लैक आ गई ना, अगर ये काली चमड़ी होता तो जमना पारी होता, और पिंक स्किन में आया है, खुर वगैरह वाइट है तो इसको जमना पारी हंसा बोला जाता है ना। और क्या डिटेल होगी इसकी? ये भी लगभग 85-90 के करीब है। और दांत में 85-90 पकड़े चलो है ना, चार दांत है अभी। तो ये पलटी के लायक ये भी है भाई, अगर कोई चाहे तो एकदम बताओ। हाँ देखो ये बारीक है, छट्टा दांत लेकिन ये 1 साल पलटी के लायक है भाई, पलटी के लायक है।
अभी से माशाल्लाह उसकी गर्दन वगैरह आई है, उनका भी थोड़ा पहले भी सौदा डन हो गया था और अभी भी थोड़ा मतलब वही है, वो पलटी के लिए ही बकरा इंशाल्लाह। नहीं नहीं पलटी का तो अगले साल अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं चीज भी वो लायक है और एग्रेसिव फुल, अभी इसके अंदर बहुत जगह है और अभी सेल्फ फीडिंग पे है ये भराई उराई इसकी बिल्कुल। ओपन से देख सकते हैं आप, अभी से उसके दांत बाहर ऐसे ही दिख रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है। छोड़ो भाई जरा छोड़ो, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, क्या बात है माशाल्लाह भाई। इसका इसका प्रश्न नहीं बताएंगे। हाँ मोनू भाई, हाय हाय, ज्यादा हाय है कुछ ऐसा है? नहीं ज्यादा हाई का इशू नहीं है, दरअसल वो बस मैटर उसका ऐसा है कि थोड़ा वो भाई का अभी सौदे पे ही एकदम, तो इसलिए हाँ। पे ही है वो, थोड़ा पेमेंट का खाली इशू है बस। ठीक है, तो जिस किसी को भी चाहिए आपको फोन कर सकता है ना, ये अगर उनका हो गया तो मैं शोल्डर डाल दूंगा इंशाल्लाह। नहीं चलेगा, और नहीं माशाल्लाह दोनों ही चीजें देख सकते हैं आप, लाजवाब बच्चा, काबिले तारीफ है, एकदम साफ है, एकदम साफ सुथरे तरीके से। और ये मैं अपने पांव से जो अपने घर पे रहता बकरे ज्यादा। नहीं माशाल्लाह दोनों ही बच्चे भाई बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है भाई, वीडियो में यहाँ क्लोज करता हूँ, नहीं तो मेरी वाट लगाएंगे ना, ये भूल गया मेरे को लग रहा है। चलो अल्लाह हाफिज़ भाई।